ठीक है भाई, यू पड़ेगा गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर केरल, ठीक है। अरब सागर गंगा पड़ेगा, बंगाल खाड़ी गंगा पड़ेगी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, कन्याकुमारी, ठीक है। और जब इनके बीच में पड़ने वाले, बीच में पड़ने वाले स्थानों के बारे में पढ़े हैं, कौन सा तट कहाँ पड़े हैं, ठीक है। जिक्र व्हील तट है उड़ीसा में, बहुत ज्यादा फेमस है, आई बी के इंटेलिजेंट ब्यूरो के 10वीं बेस के एग्जाम में आता 2016 में, ठीक है भाई। तो आज मैंने की बात बताने वाला, ठीक है भाई। अब सुनो, सबसे पहले लिखो तटीय, पश्चिम के तटीय भाग, लिखो पश्चिम के तटीय भाग के बारे में, हेडिंग करेंगे पश्चिम के तटीय भाग। ये अरब सागर, ये अरब सागर और पश्चिमी घाट के, और पश्चिमी घाट के, अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में है, बीच में है, बीच में है। ये गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक, यही रखिए, ये गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक है। पॉइंट बनाकर लिखो, इनकी चौड़ाई, इनकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है, 80 से 100 किलोमीटर है। लंबाई इनकी 1600 से 1600 किलोमीटर है। अगला पॉइंट, गुजरात से गोवा तक कोंकण तट, बताओ अम्मा कैसा है, किस पर है? गोवा से मंगलोर, जवान कम छेद यहां ध्यान दे, गोवा से मंगलोर के बीच में है, लिखो। लिखो कन्नड़ तट, कन्नड़ तट, लिख लिया। अगला पॉइंट लिखो, न्यू मंगलोर से, कन्याकुमारी तक मालाबार तट, मालाबार तट, लिख लिया भाई। और लिखो, इन्हें दो भागों में बांटा गया है, इन्हें दो भागों में बांटा गया है, बंद कर।